माँ गंगा भगवती गोद में शनिवार को शम्मा सजी श्री राम दरबार की झांकी निहार कर हजारों श्रद्धालुओं की छाती जुड़ा गई। गंगा घाट जय श्री राम गंगा मैया की जयकारों से देर शाम तक गूंजते रहे। अवसर था श्री राम तारक आंधाश्रम में 12 दिनों से चल रहे श्री राम पट्टाभिषेक उत्सव के समापन पर उत्सव मंडप से निकली भव्य जल शोभा यात्रा का। उत्सव को पूर्ण विश्राम देने से पूर्व उत्सव मंडप में रामदूत हनुमान का 1008 तांबूल पत्रों से सहस्त्र नाम अर्चन कर राम काज की पूर्णता में उनकी भूमिका को नमन किया गया। शाम तक आश्रम प्रांगण हनुमान जी के चरणों में अर्पित मंत्र तालियों से गूंज उठा। शाम 5 बजे राम दरबार के विग्रह कंधों से होकर लेकर गंगा में तीर्थ विशाल गाजे बाजे पर और मंच पर सजाए। वहाँ फूलों से सजे पटल पर दरबार की अनुपम झांकी सजाई गई। हजारों श्रद्धालुओं ने क्षेमेश्वर घाट से लेकर पंचगंगा घाट तक शोभा यात्रा की झांकी के दर्शन किए। समूचे गंगा तट पर राजा रामचंद्र जी के उद्घोष से गूंजता रहा। भजन कीर्तन की लहरियां भी बाजे गाजे की धूम धड़ाके में खूब समा बंधा। वापसी में क्षेमेश्वर घाट पर श्री राम प्रभु की गंगा का पूजन कराया गया। उत्सव का समापन रामायण में विग्रह की स्थापना के बाद सामूहिक प्रसाद वितरण से हुआ। इस अवसर पर आश्रम न्यास के अध्यक्ष PVR शर्मा, न्यासी UR के मूर्ति, न्यासी पूर्णम श्रीनिवास, डी सुब्रमण्यम, पी नरसिम्हन, अनुपम भट्टाचार्य आदि लोग उपस्थित थे। यात्रा की अगुवाई आश्रम के प्रबंधक न्यासी VV सुंदर शास्त्री ने किया। हरि ओम नारायण।